तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे। और आज हम बनाने जा रहे हैं ये गोलम मेकर। तो ये गोलम फैक्ट्री है, उसे कह सकते हैं गोलम मेकर कह सकते हैं। तो आज हम लोग इसको बनाएंगे। सिंपली स्विच को ऑन ऑफ कर दीजिए एक बार, उसके बाद में यहाँ से ये हमारा जनरेटर चालू हो जाएगा और ये यहाँ से आके हमारे गोलम मेकर शुरू हो जाएंगे। एक पिस्टन लगा है यहाँ पे तीन, जिससे कि ये गोलम अपने आप यहाँ फिसल के इस तरफ आ सके, इकट्ठा ना हो पाए। और यहाँ पे वाटर लिक्विड लगी हुई है जिससे कि सब बह बह कर नीचे की ओर जाना शुरू कर दे। नीचे कमांड ब्लॉक रखा हुआ है इसलिए। और इधर हम लोग देख रहे हैं कितने सारे गोलम मेकर बनाए हैं, तो आज हम लोग बनाएंगे वही गोलम मेकर यहाँ पे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक गोल्ड ब्लॉक लेंगे, उसके बाद में जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि इस स्विच को हम लोग ऑफ कर दें पहले ताकि ये हट जाए। तो वी हम लोग यहाँ पे एक गोल्ड ब्लॉक लेंगे, उसके ऊपर हम लोग लगाएंगे एक टॉर्च। उस टॉर्च के ऊपर हम लोग लगाएंगे डायमंड ब्लॉक, उसके ऊपर फिर से लगाएंगे एक टॉर्च, फिर एक गोल्ड ब्लॉक, और फिर गोल्ड ब्लॉक के ऊपर फिर से एक टॉर्च लगाएंगे एक राइट देयर, और फिर हम लोग देंगे फिर से डायमंड ब्लॉक, एंड फिर अगेन हम लोग लगाएंगे एक रेड टॉर्च। तो दोस्तों जैसे आप लोग देख रहे हैं कि टॉर्च लगाते ही टॉर्च ऑफ हो जा रही है क्योंकि नीचे वाली टॉर्च ऑन है। तो हम लोग यहाँ पे गोल्ड ब्लॉक रख देंगे। अब इसी की गोल्ड ब्लॉक पर हम लोग यहाँ पे एक 3x3 का एक वो बना लेंगे। और यही देखिए हम लोग का इस तरह से कुछ बन के तैयार हो जाएगा जब ये कंप्लीट होने के बाद। और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एक डायमंड ब्लॉक इस तरह से लगाएंगे। लगाने के बाद यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। अब बनाते हैं यहाँ पे अपना जनरेटर। जनरेटर बनाने के लिए हम लोग लेंगे रेडस्टोन रिपीटर और उसको यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर देंगे। हर एक डायमंड ब्लॉक पे हम लोग उसको रख दे रहे हैं। दोस्तों आप ये किसी भी ब्लॉक पे बना सकते हैं। मैंने डायमंड ब्लॉक और गोल्ड ब्लॉक इसलिए लिए ताकि ये देखने में कुछ अच्छा लगे। अब लेंगे हम लोग रेडस्टोन डस्ट, उसको यहाँ पे चारों ओर लगा देंगे चारों कोने में, और हमारा जनरेटर तैयार। सिंपली अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अब इसको एक्सटेंड कर देंगे, इसकी एक आर्म यहाँ से निकालेंगे। तो चलिए आर्म निकालना शुरू कर देते हैं लाइट दिस। और हम लोगों ने यहाँ पे इसका आर्म निकालना शुरू कर दिया है। अब ये आर्म हम लोग का कंप्लीट हो रही ही हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ नीचे जाके इसको थोड़ा नीचे से लाएंगे ताकि हम लोग अपने कमांड ब्लॉक को यहाँ से एनर्जी दे सकें। अब हम लोग यहाँ पे अपना रेडस्टोन रिपीटर लगाएंगे ढेर सारे, जितने हम लोगों के यहाँ पे आम है। यहाँ आम लॉक पैक हम लोग यहाँ पे रेडस्टोन डस्ट लग देंगे। रेडस्टोन डस्ट रखने के बाद हम लोग इसको नीचे की ओर लाएंगे, इसको मोड़ देंगे। और यहाँ पे भी हम लोग अभी रिपीटर लगाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट करिए। तब तक हम लोग इस आम पे रिपीटर लगा देते हैं अपने। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम लोगों ने कई सारे रिपीटर इसलिए यूज़ किए ताकि एनर्जी धीरे धीरे फ्लो हो और हमारा जो गोलम मेकर है वो सही से काम करे। अगर हम लोग एक साथ लगा देंगे तो हमारा जो गोलम मेकर है वो हैंग करने लगेगा और काम नहीं करेगा। तो इन लोगों को हम लोग 4.4 नीचे कर देंगे। एक मिनट, हाँ ये 4 हम लोगों ने इसको नीचे कर दिया। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। अब हम लोग यहाँ पे अपना वो रिपीटर लगाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले रेडस्टोन डस्ट लगा देंगे, और अगर इस रेडस्टोन डस्ट से बात बनती है तो हम लोग रिपीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर रेडस्टोन डस्ट से बात नहीं बनती है तो रिपीटर की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लोग गोल्ड ब्लॉक से नीचे की ओर ले आएंगे इसको, नीचे ला के इसको हम लोग आगे एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड करने के बाद जैसे आप लोग देख पा रहे हो कि हम लोग यहाँ पे इसको आगे की ओर ले आए हैं। एक ब्लॉक इससे आगे की ओर रखा है हम लोगों ने इससे। अब इसको कम्प्लीट कर दिया है। डायमंड एक साइड है देख रहे हैं आप लोग, और यहाँ पे हम लोगों ने इसको 3 आगे कर दिया। अब यहाँ पे हम लोगों ने पिस्टन्स लगाएंगे, यहाँ 3 हमने लगा दिए हैं। अब इन तीनों पिस्टन्स को एनर्जी देने के लिए हम लोग यहाँ से लाएंगे अपना रेडस्टोन डस्ट के लिए। हम लोग यहाँ पे पहले एक पोर्च तैयार कर लेते हैं। इस पोर्च को हम लोग यहाँ डायमंड ब्लॉक रखेंगे, एक गोल्ड ब्लॉक रखेंगे, और उसके ऊपर हम लोग रेडस्टोन रिपीटर लगा देंगे जिससे कि हम लोगों का जो करंट है वो इक्वल फ्लो हो। ये हम लोगों ने तीनों रिपीटर लगा दिए हैं, इनको हम लोग इक्वल 4.4 पे करके इसको एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे रेडस्टोन डस्ट लेते हैं। रेडस्टोन डस्ट को हम लोग फैला दिए हैं। अब ऊपर आ जाने के बाद हम लोग यहाँ पे अपना रिपीटर लगा देंगे दोबारा से। एक ब्लॉक हटा देते हैं यहाँ पे, और ये हम लोगों ने ब्लॉक हटा दिया, रिपीटर लगा दिया है ताकि आप लोग देख रहे हैं कितना लंबा ये रेडस्टोन डस्ट गया है। एनर्जी फ्लो इसका कम हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे एक रिपीटर लगा दिए हैं। अब हम लोग यहाँ पे अपना कमांड ब्लॉक फिक्स करने के लिए एक छोटा सा एरिया बनाते हैं। सो गाइस, एरिया बनाने के लिए अब हम लोग ले लेंगे यहाँ से पैक्ड आइस, क्योंकि दोस्तों आइस जो है वो स्लिपरी होती है यहाँ पे। तो इन दोनों गोल्ड ब्लॉक्स को हम लोग हटा देते हैं, और इन दोनों गोल्ड ब्लॉक्स से यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पैक्ड आइस लगाएंगे। एक पीछे की ओर लगाएंगे, सॉरी यहाँ नहीं, एक यहाँ पे लगा देंगे और ये पीछे हटा देंगे, यहाँ पे हमारा कमांड ब्लॉक रहेगा।
तो इन आइस ब्लॉक्स को हम लोग उतने ही दूरी तक रखेंगे जितने में हम लोग का वाटर आएगा, मैंने जितना वाटर बहता है आखिरी पॉइंट जो रहता है वाटर का, हम लोग वहाँ तक उसको रखेंगे। सो गाइस अब हम लोग इसको एकदम बाउंड्री बना देंगे इसकी हम लोग आइस से ही, क्योंकि आइस बहुत स्लिपरी होती है। तो अब हम लोग थोड़ा वीडियो स्किप करने वाले, मैं जब तक ये बाउंड्री बनाऊंगा। सो फाइनली गाइस हमारी बाउंड्री बन गई है, अब हम लोग देखते हैं हम लोग को आगे क्या करना है। अब हम लोग को कमांड ब्लॉक चाहिए। सो दोस्तों कमांड ब्लॉक लेने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, यहाँ पे हम लोग कमांड ब्लॉक फिक्स करेंगे। सो कमांड ब्लॉक लेने के लिए अब हम लोग अपने मैसेज पॉइंट में जाएंगे जहाँ से हम लोग चैट करते हैं, और वहाँ पर जाने के बाद हम लोग यहाँ पर लगाएंगे स्लैश। तो यहाँ पर हम लोग चलिए लिख देते हैं स्लैश गिव एट द रेट एस एस फॉर योर सेल्फ, देखिए को ऊपर लिखा है, एंड यहाँ पे लिखेंगे कमांड COMMAND कमांड अंडरस्कोर ब्लॉक। सो यहाँ हम लोग का कमांड ब्लॉक अब हम लोग ने लिख दिया है, तो अब हम लोग का कमांड ब्लॉक आ जाएगा। देखिए दोस्तों हमारे लास्ट कॉलम में कमांड ब्लॉक आ गया है, ये बहुत आसान ट्रिक है, आप लोग भी कर सकते हैं। अभी हम लोग कमांड ब्लॉक फिक्स कर दिए हैं, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिम्योन आयरन अंडरस्कोर, आयरन लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे अंडरस्कोर लगाएंगे, अंडरस्कोर लगाने के बाद अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गोलम आयरन गोलम। सो दोस्तों हम लोग यहाँ पे आयरन गोलम लिख दिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग की पूरी सप्लाई करेंट की कंप्लीट हो गई है, ये कंप्लीट हो गया है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब हम लोग इसको एक काम करते हैं लीवर ले लेते हैं यहाँ से, ये सारे फालतू सामान मैं पहले हटा दूँ, एक काम करता हूँ ये लीवर गलती से हट गया, सॉरी ये लीवर हम लोग यहाँ से वापस ले ले रहे हैं, और यहाँ से बाकी सारा सामान हटा दे। अब कमांड ब्लॉक्स की हम लोग की और ज़रूरत नहीं, तो उसको हटा देते हैं, केवल लीवर का काम है, सॉरी। तो चलिए आगे देखते हैं, वाटर बकेट से हम लोगों ने इसको रिवर बना दिया है। अब देखिए यहाँ पे आखिरी पॉइंट इसका ये वाला ब्लॉक है, तो हम लोग ये वाला ब्लॉक तोड़ देंगे पूरा, ताकि हमारे जो गोलम है वो नीचे गिरे, क्योंकि गोलम्स को दोस्तों फॉल का डैमेज नहीं लगता है, इसलिए वो लोग चाहे जल्दी ऊँचाई से गिरे उन्हें वो मैंने मरते नहीं हैं वो लोग जल्दी गिरने से। सो हमारे यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग इस काम करते हैं नीचे जाते हैं यहाँ पे लीवर लगा देते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे एक लीवर लगाएंगे अपने इसके लिए, तो ये लीवर हम लोगों ने यहाँ लगा दिया है, अब हम लोग इसे ऑन ऑफ करके देखते हैं। तो फाइनली अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट ऑफ करके एक बार हम लोग इसको स्टार्ट ऑफ करेंगे, देखते हैं हमारा जनरेटर चालू हो गया है और यहाँ पे हमारा गोलम बनाना शुरू हो गया। तो जैसा आप लोग देख पा रहे हैं अभी पिस्टन्स वर्क नहीं कर रहे हैं, इनका मैं रीज़न आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने अभी पिस्टन्स के ऊपर रेडस्टोन डस्ट नहीं रखी है इसलिए। तो हम लोग पहले काम करते हैं, इन लोगों का जो रिपीटर है इसको हम लोग एक्टिवेट कर देते हैं, ताकि जल्दी जल्दी करंट यहाँ से फ्लो हो। और आप लोग देख पा रहे हैं एकदम एक मोशन में जा रहा है यहाँ से करंट, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे इसको सेट कर दिया। देखिए हमारे जो गोलम्स हैं वो बन रहे हैं, और बनने के बाद वो लोग सीधा नीचे की ओर जा रहे हैं वाटर में फ्लो होकर। सो अगर हम लोग यहाँ पे ये पिस्टन्स ना भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये वाटर के थ्रू अपने आप फ्लो होकर पीछे की ओर चले जाया करेंगे। लेकिन हम लोग को पिस्टन्स का वर्क दिखाना है यहाँ पे आपको, तो हम लोग यहाँ पे पिस्टन का वर्क दिखाते हैं। तो पिस्टन का वर्क दिखाने के लिए हम लोग यहाँ से रेडस्टोन डस्ट ले लेते हैं, रेडस्टोन डस्ट लेने के बाद हम लोग इन्हें पिस्टन्स के ऊपर जब उसको रख देंगे तो हमारे जो पिस्टन्स हैं वो अच्छे से वर्क करना शुरू कर देंगे। तो अगर हम लोग तीनों के पिस्टन्स के ऊपर अगर हम लोग रेडस्टोन डस्ट रख देते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे ये पिस्टन्स जो है वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे रेडस्टोन डस्ट इसके साथ अटैच किया हुआ है। सो अब हम लोग काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे रेडस्टोन डस्ट यहाँ पे गिराना शुरू कर देते हैं। सो गाइस अब हम लोग चलते हैं रेडस्टोन डस्ट गिराने, तो हम लोग अपने मीनू में आएंगे, एंड गाइस मीनू में आने के बाद हम लोग यहाँ से रेडस्टोन डस्ट ले लेते हैं। ऐसे ढेर सारा रेडस्टोन डस्ट लिया, तीनों को परख दिया, अब हमारे पिस्टन्स देख लीजिए दोस्तों काम करना शुरू हो गए हैं। जैसे गोलम यहाँ पे सिम्योन होता है, तैसे ये पिस्टन्स को पीछे की ओर ढकेल देता है, जिससे कि वो लोग स्लिप होकर नीचे गिर जाते हैं। देख रहे हैं दोस्तों हम लोगों ने उसी तरह का बनाया है, अब वो मैंने डिज़ाइन बनाया है, आप चाहे तो कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, वो बस मुझे डिज़ाइन देखने में अच्छी लग रही थी। यहाँ मैंने लाइडर लगाए हुए हैं ताकि मैं ऊपर चढ़ सकूँ। एक दोस्तों एक काम कर सकते हैं, बंद करने के लिए आप लोग को एक रेडस्टोन डस्ट हटाना होगा और उसको ऐसे वापस लगा देना होगा। तो बंद करने से पहले आप लोग नीचे वाला लीवर ऑफ कर दीजिए, और फिर उसके बाद यहाँ पे आने के बाद ये डस्ट हटा दीजिएंगे, और डस्ट हटाने के बाद दोस्तों हमारा ये जो मशीन है वो बंद हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं आप लोग बंद हो गया है, और वो वाली मशीन चालू है, उसको भी हम लोग सेम मेथड यूज़ करके इसको बंद कर सकते हैं।